सवाल है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। मैं तो गाड़ी में जो हम लोग ट्रक में माल लोड करते हैं, बहुत से तरीके का माल रहता है, कभी गल्ला भरते हैं, कभी कुछ भरते हैं, जैसा इसी में जैसा नशावर चीजें हैं, ऐसा मतलब शराब लोग लोड करते हैं गाड़ी में, और शराब भी लाना ले जाना करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम। तो वो तो खैर अपनों को बजाहिर दिख रहा है तो कि नशा है, अपन नहीं भरते गाड़ी में ट्रक में, मतलब अपन वो जी भाड़ा नहीं भरते। लेकिन जैसे चावल है और मक्का है, ये जो अनाज है, ये उस फैक्ट्री में जाता है जहां पे शराब बनती है, तो ये मक्का चावल भर सकते हैं या नहीं भर सकते अपन गाड़ी में, जायजे या नाजायजे, इसके लिए से थोड़ा सा वाजे करें शेख। जी जी वाजे है अख्तर भाई आपका सवाल। जी भाई का सवाल यह है कि वो ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो गाड़ी में कई दफा ऐसे सामान लोड होते हैं जो शराब की फैक्ट्री में जाते हैं, उनसे शराब बनाई जाती है, तो क्या उसको लोड करना और वहां ले जाना जायज है कि नहीं? इसके नाजायज और हराम होने में किसी शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है, ये मुकम्मल तौर से हराम है। उस शराब के बनाने में, उसके प्रोसेस में जितनी चीजें आती हैं, किसी में भी आपका ताउन करना किसी भी तरह से जायज नहीं है, ये मुकम्मल तौर से हराम है। अगर आपको मालूम है कि ये जो चावल या जो अनाज या जो भी फल फ्रूट या कोई भी सामान जो मैं ले जा रहा हूं लोड करके, ये इससे जो है शराब बनाया जाएगा या इसे शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, तो जायज नहीं है उसमें ताउन करना किसी भी तरह से। वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, गुनाह के कामों में मदद ना करो, और ये डायरेक्ट गुनाह के काम में मदद है। जी मोहम्मद अख्तर भाई कुछ बोलना है जी आपको हाँ इस शेख, पर? ये क्योंकि बहुत से लोग मतलब हमें को ये जवाब देते थे कि भाई चावल तो खाने की चीज है, हलाल है, बोले अपन अपन कोई शराब पी थोड़ी रहे हैं, बोले ला अपन तो भाड़ा भर रहे हैं गाड़ी में लेके जा रहे हैं, अपनों को कोई शराब भर के थोड़ी ले जा रहे हैं, बोले ऐसा जवाब देते हो उल्टा, मतलब अपनों को अपन उनसे पूछे तो बोले तो वो तो तो शराब फिर हराम है, बोले उनसे चावल हराम तो नहीं है बोलते। ठीक है, ठीक है, जी ठीक जी जी है, तो वाजे फिर उनसे आप एक सवाल पूछ लीजिए, उनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि आप शराब की दुकान खोल लीजिए, पीजिएगा मत, शराब बेचिए। आप शराब की दुकान खोल लें और कहें कि मैं पीऊंगा नहीं, मैं तो सिर्फ बेचूंगा, मैं पीऊंगा नहीं, तो क्या उसका कहना सही होगा? मैं जेनाकारी का नहीं। अड्डा खोल लूंगा, खुद जेना नहीं करूंगा, बस उसको प्रोवाइड करूंगा लोगों के लिए, तो क्या ये जायज होगा? ये तो ऐसे ही बात हुई। नहीं